कुछ दिन पहले ही लाड़ो ने 3 प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं। बच्चे बाहर आने के पहले ही लाड़ो अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। लाड़ो ने अपने आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग 3 झूले भी बनवा लिए हैं। एक दिन लाड़ो के घोंसले के पास से एक शिकारी चील शिकार के तलाश में घूम रहा था, तभी उसे लाड़ो चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। बहुत देर से मैं शिकार के तलाश में घूम रहा हूँ, चलो इस घोंसले के खिड़की से झांक कर देखता हूँ। चील लाड़ो के घोंसले के खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, आज मैं इन 3 अंडों की दावत उड़ाऊंगा। लाड़ो अनाज लाने के लिए घर से बाहर गई थी। चील लाड़ो के घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लाड़ो ने अपना घोंसला बहुत पक्का बना लिया था, इस वजह से चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाया। अरे ये दरवाजा तो बहुत ही पक्का है, कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। कभी ना कभी तो इन अंडों की माँ घर पर होगी, और जब वो बाहर आएगी तब मैं उसे दबोच लूंगा। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगा और बाद में इन अंडों की आराम से दावत उड़ाऊंगा। चील भूखे पेट वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद लाड़ो अनाज लेकर घर पर आ जाती है। देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी पक्षी के पंजों के निशान हैं। अरे बाप रे, लगता है मैं जब बाहर अनाज लाने के लिए गई थी तब कोई शिकारी पंछी यहाँ आया था। अच्छा हुआ मैंने मेरा घोंसला पक्का बनाया है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वो बहुत ही भूखे थे। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लाड़ो बाहर आई, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी, मैं मेरे बच्चों के लिए अनाज लाने जा रही हूँ। अब तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे वो 3 बच्चे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रहा था। मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने तो घोंसला बहुत ही पक्का बनाया है। मैं तुम्हारा बाहर आने का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ ही गया। चील भाई, मुझे और मेरे बच्चों को मत खाइए। चील सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैंने अभी इसे और इसके बच्चों को खा लिया तो कल फिर से मुझे कोई दूसरा शिकार ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोज अलग शिकार लाना पड़ेगा। अगर एक दिन भी तुम शिकार लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठाकर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था, तभी उसने खिड़की से देखा लाड़ो जल्दी जल्दी में उड़कर कहीं पर जा रही थी। उसे लगा लाड़ो अनाज लाने के लिए बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कालू ने देखा लाड़ो अपने मुंह में एक मरा हुआ पक्षी लेकर वापस जा रही थी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लाड़ो मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रही है? दूसरे दिन उसी समय कालू को लाड़ो फिर से जाती हुई दिखाई देती है। इस बार लाड़ो एक मरे हुए खरगोश को लेकर जा रही थी। कालू सोच में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कालू ने लाड़ो का रास्ता रोक लिया। अरे लाड़ो रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मरे हुए जानवर लेकर यहाँ से जा रही हो, आखिर बात क्या है? लाड़ो कालू को सारी बात बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है लाड़ो, लेकिन तुम ये सब कब तक करोगी? क्या करूँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये करना पड़ेगा। अभी मैं चलती हूँ, वो चील मेरे घोंसले के ऊपर बैठा है, अगर मैं समय पर नहीं गई तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा।
लाड़ो का अब ये रोज का काम हो गया था। चील लाड़ो के घर आ जाता, लाड़ो उसे शिकार ला कर देती और वो आराम से दावत उड़ा कर वहां से चला जाता। फिर एक दिन लाड़ो बहुत बीमार पड़ जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं शिकार लेकर नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे। माँ, ओ माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उठो ना माँ। बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में अनाज लाने के लिए जाती हूँ। तब तक तुम एक काम करो, मैंने इमरजेंसी के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा कर लिया था, वो वहाँ अलमारी में रखा हुआ है, तब तक तुम वो खा लो। इधर चील लाड़ो का इंतजार कर रहा था। अरे, ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं अब उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। चील लाड़ो के घर की तरफ निकल पड़ता है। लाड़ो का घर दूर था, तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घोंसला दिख जाता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो दो दो बच्चे हैं। लाड़ो का घर यहाँ से बहुत दूर है, आज के लिए मैं इन बच्चों को खा लेता हूँ। चील रानो चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगता है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वहाँ से चील को खदेड़ देता है। उन दोनों में हाथापाई हुई थी। चील ने कालू को एक पंजा भी मारा था, इस वजह से कालू कौवा घायल हो गया था। कालू के वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चे की जान भी बच गई। कालू, मैं तुझे देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना, अब यहाँ से जल्दी से फूट ले। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? कालू रानो को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे रानो, वो बहुत खतरनाक है, वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं जंगल के बहुत सारे पंछियों को खा चुका है। वो सबसे ज्यादा उस बेचारी लाड़ो को परेशान कर रहा है। कालू मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पंछी नहीं बचेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कालू और रानो लाड़ो के घर आ जाते हैं। लाड़ो की तबीयत अब ठीक हो गई थी। कालू लाड़ो को सारी बात बताता है। लाड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज तुम उसके लिए खाना लेने नहीं जा सकी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानो चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने ऐसा किया। वो अब तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है लाड़ो, उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है लाड़ो। कालू रानो और लाड़ो को सारा प्लान बता देता है। कालू और रानो चिड़िया नागराज की गुफा के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। अरे नागराज जी, आपको अपने शिकार की पड़ी है या अपने दो बच्चों की? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जो कहना है वो साफ साफ कहो। हमारे जंगल में एक खूंखार शिकारी चील आ गया है, वो एक एक करके जंगल के पक्षियों को खा रहा है। उसने अभी अभी इस बेचारी रानो चिड़िया के बच्चे को खाया है, हमने उसे बोलते हुए सुना, मैं पक्षियों के बच्चे खाकर बोर हो चुका हूँ, बहुत दिनों से मैंने सांप के बच्चे नहीं खाए। सुना है इस जंगल में नागराज का एक पिल्ला रहता है और उसके दो बेटे भी है, आज रात को मैं उनकी दावत उड़ाऊंगा। हम दोनों आपको सतर्क करने आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस चील को दिखाता हूँ कि नागराज क्या चीज है, आने दो उसे। रानो और कालू वापस लाड़ो के पास आ जाते हैं। लाड़ो अब और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा प्लान फेल हो गया,
तो चील हमें नहीं छोड़ेगा। ये कालू का प्लान है, कभी भी फेल नहीं होगा। सुबह हो जाती है, चील लाड़ो के घर के बाहर आ जाता है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में डर कर बैठे हुए थे। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हम जैसे छोटे पंछियों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें तो तुम कभी भी खा सकते हो। अगर खाना ही है तो बड़ा शिकार खाओ। कहाँ है बड़ा शिकार? हम अभी अभी देख कर आए हैं। झरने के पास वाले गुफा में एक बड़ा सा हिरन मरा हुआ पड़ा है। कहाँ है वो गुफा? चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। लाड़ो चील को नागराज के गुफा के पास लेकर आती है। नागराज लाड़ो को नहीं पहचानता था। कहाँ है हिरन? अरे वो अंदर पड़ा हुआ है। कालू और रानो ये सब ऊपर वाले पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही ना? अरे नहीं नहीं चील भाई, आप अंदर तो जाइए। चील को बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये चिड़िया तो इसे अंदर ही भेज रही है, मैं इसे अंदर आने देता हूँ, फिर इसे देख लूंगा। आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। क्या तुम उस हिरन को अकेले खा पाओगे? वो बहुत बड़ा है। हाँ मैं खा लूंगा और मेरे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। चील गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर चला गया, नागराज ने उसके गर्दन को पकड़ लिया। चील के बच्चे, तू मेरे बच्चों को खाएगा? अरे मैं तो... नागराज ने चील के गले को पकड़ लिया था, इस वजह से चील बोल नहीं पा रहा था। दम घुटने की वजह से चील मर गया। लाड़ो बाहर ही खड़ी थी। नागराज बाहर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? तभी कालू और रानो वहाँ पर आ जाते हैं। नागराज जी, ये हमारे दोस्त है। लेकिन ये तो उस चील को गुफा के अंदर भेज रही थी। ये हमारे प्लान का हिस्सा था नागराज जी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो चील अंदर नहीं आता, वो आपका बाहर आने का इंतजार करता। हमें उसे अंदर भेजने के लिए ये करना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझ गया। वो चील मेरे बच्चों को खाने आ जाए उसके पहले ही तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। तुम सब तो बहुत होशियार हो, तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चों की जान बच गई। मैं तुम सब पंछियों से वादा करता हूँ, मैं आज से इस जंगल के किसी भी पक्षियों के अंडों को नहीं खाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी, आपकी वजह से हम सबको उस चील से छुटकारा मिल गया।